नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में उपस्थित हुए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक ली और आगामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने के 20 साल पूरे होने पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर बैठक ली गई। सेवा एवं समर्पण 20 दिन का कार्यक्रम भाजपा द्वारा आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है और इन्हें कम से कम चेहरा तो बदल लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भागवत वर्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यक्रम में पहले कतार में बैठते हैं और बताते हैं कि मैंने 60,000 का गोबर बेचा और एक स्कूटी ले ली और यही भागवत वर्मा हवाई जहाज से जम्मू कश्मीर पहुंचता है और वैष्णो देवी यात्रा में वो राहुल गांधी से मिलता है और वहां भी यही कहानी दोहराता है कि मैं गोबर बेचकर नया स्कूटी लिया हूं। तो ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत या किसान वहां पहुंचता है और राहुल गांधी से मिलता है, ये कांग्रेस का एक स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी के जिले कार्य समिति की बैठक है, पदाधिकारियों के साथ पूरे जिले के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है और ये कार्यक्रम आने वाले समय में 20 दिन की कार्ययोजना और इस कार्ययोजना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 तारीख से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, जब उनके कार्यकाल के 20 साल पूरे हो जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, ये 20 दिन का ये कार्यकाल हम सेवा सप्ताह सेवा के रूप में मनाएंगे और विभिन्न कार्यक्रम इन 20 दिनों में रखा जाएगा। सेवा एवं समर्पण, ये 20 दिन का हमारा कार्यक्रम पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जित रहता है भागवत प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सबसे पहले बैठा रहता है और वही डायलॉग मारता है कि 60,000 के गोबर बचे हुए स्कूटर खरीद ले महाराज, और बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल को। ये भूपेश को भी धन्यवाद दे रहा है और वहाँ फिर यात्रा में प्लेन्स में चढ़ के पहुँच जाता है और यात्रा में भी वैष्णो देवी के रास्ते में टकराता है और वही 60,000 का गोबर की किस्सा फिर दोहराता है। तो ये जनसंपर्क वालों को चेहरा तो बदल लेना चाहिए, इन्हें नकल करें तो अकल लगा के करें। थैंक यू।